Assalamu alaikum, dear students. My name is Izzat Shah and I am your computer teacher. Today I will take start from IPO cycle. IPO stand for input, processing and output. And the IPO cycle is the basic work mechanism of a computer. First, the computer needs some thing in the form of data or instruction that is then processed by the computer and will give us the desired output. IPO cycle ka maksad kya hai, iska matlab kya hai ki computer kaam kaise karta hai. Computer ko sabse pehle input dene ki zarurat hoti hai, phir computer us input ko process karta hai aur jo bhi result ya output hota hai wo hame display karta hai. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कार्टून मूवी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो माउस के ज़रिए आप उस कार्टून मूवी के फोल्डर या फाइल पे डबल क्लिक करते हो, तो माउस के ज़रिए उस कार्टून मूवी पे डबल क्लिक करना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है. और इनपुट किस शक्ल में? इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में. इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है? आपने माउस के ज़रिए कंप्यूटर को हुक्म दिया कि मेरे लिए ये ऑन करे, स्टार्ट करे. फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसको फिर मॉनिटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है. तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये आईपीओ साइकिल कहलाता है. आईपीओ साइकिल का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि कंप्यूटर कौन सी तरतीब में काम करता है कि पहले इनको इनपुट दी जाती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो हमें डिस्प्ले करता है. फिर नेक्स्ट बारी इसकी आती है कि देयर आर सर्टेन डिवाइसेज दैट आर यूज इन द आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल में कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले इनपुट डिवाइस होता है. तो इनपुट डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर को डेटा देना. इट इज़ यूज टू गिव डेटा एंड टू द या गिव डेटा टू द कंप्यूटर. आफ्टर दैट व्हेन द डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर द प्रोसेसिंग डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस द डेटा. And the third one is output device. An output device is to show or display the result or the output. Is it clear? इसको मैं दोबारा एक एग्जाम्पल से क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ. इनपुट डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर को डेटा देना. प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब है उनको प्रोसेस करना. आउटपुट डिवाइस का मतलब है रिजल्ट को, आउटपुट को डिस्प्ले करना. इनपुट माउस के ज़रिए दी जाती है या कीबोर्ड के ज़रिए. प्रोसेसर जो होता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की शक्ल में या प्रिंटर की शक्ल में उसको डिस्प्ले करता है. अब इनपुट क्या होता है? एनी इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट इज गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस को मैं आपको ये बताने की कोशिश कर लूँगा कि इनपुट डिवाइस डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देता है. इट इज़ यूज्ड टू गिव डेटा और इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर. द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड इट कंटेन सेवरल बटन्स दैट इज कॉल्ड कीज. एंड स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ 105 कीज. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कई बटन्स पे मुश्तमिल होते हैं, उन बटन को कीज़ कहते हैं. और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं. अब कीबोर्ड पे मुख्तलिफ किस्म के कीज़ होते हैं या बटन्स होते हैं. अब इसकी जानने की कोशिश करते हैं. एरो कीज़ आर यूज्ड टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट लेफ्ट राइट ऑफ एंड डाउन. ये स्क्रॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है. ये फोर कीज़ होते हैं कीबोर्ड में. अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की. स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ जिस तरह के नाम से जाहिर है कि स्पेशल की स्पेशल टास्क को करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन देन यू नीड टू प्रेस द एंटर की. एंटर की इज़ अ स्पेशल की. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू एड सम स्पेस इन बिटवीन द टेक्स्ट then you need to press the space bar. Space bar is a special key. इसका मतलब क्या हो गया कि special key special काम को करने के लिए इस्तेमाल होता है.
अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँ, तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आप टेक्स्ट के बीच कुछ फासला देना चाहते, कुछ स्पेस देना चाहते, तो स्पेस बार का बटन दबाना पड़ता है। जिन बटन के ऊपर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट आपको दिखाई देते हैं, वो बटन्स या वो कीज़ अल्फाबेट कीज़ कहलाती है। इसके बाद फंक्शन की के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन की कहलाते हैं। और जिन बटन पे नंबर्स प्रिंट हुए होते हैं, उन बटन्स को न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। माउस दूसरा हमारे पास इनपुट डिवाइस है, और माउस में हमेशा मैकेनिकल माउस की बात हो रही है, तो मैकेनिकल माउस में हमारे पास दो बटन्स होते हैं, और दो बटन के साथ साथ इसके बीच में एक रूलर होता है, और रूलर का काम है माउस पैड पे उसको मूव करना, माउस को मूव करना। और जो ही हम माउस को माउस पैड पे मूव करते हैं, हरकत देते हैं, तो स्क्रीन पे हमें पॉइंटर भी हरकत की शक्ल में दिखाई देता है। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन हमने बता दी, ये हमने मैकेनिकल माउस के बारे में बता दिया कि इनपुट डिवाइस है, इसके दो, इसमें दो बटन्स होते हैं, इसमें एक रूलर्स भी होता है, और जब रूलर, जब हम माउस को मूव करते हैं तो रूलर माउस पैड पे मूव करता है, और स्क्रीन पे हमें कर्सर जो है वो हरकत करता हुआ दिखाई देता है। आजकल जो ज़्यादातर माउस यूज़ होते हैं वो लेज़र माउस कहलाते हैं। लेज़र माउस में यूजुअली तीन बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, और एक स्क्रूल बटन होता है जो स्क्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। और माउस एक इनपुट डिवाइस है, और एक बात याद रखें कि इनपुट डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर को या तो डेटा दी जाती है या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डेटा से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज आपके पास गेम की कोई सीडी है, वो सीडी राम में डालते हैं और उसको हम अपने कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास डेटा हो गया। लेकिन जब आप किसी कार्टून मूवी पे डबल क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने माउस के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये हमारे लिए प्ले करे, ये माउस का पिक्चर है। इसके बाद जॉयस्टिक के बारे में बताते हैं कि जॉयस्टिक हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ लीवर प्लेस्ड ऑन अ बेस। इसमें एक बेस होता है और बेस के ऊपर एक लीवर फिक्स होता है, एंड दिस लीवर कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन दैट वी नीड और दैट वी वांट। जिस डायरेक्शन में हम लीवर को मूव करना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में ये मूव हो जाता है। किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव किया जा सकता है। जिस तरीके से एक माउस को जब हम मूव करते हैं तो स्क्रीन पे जो कर्सर होता है, जो पॉइंटर होता है, वो भी हरकत करता है, बिल्कुल इस तरीके से जॉयस्टिक का लीवर जो है उसको जब हम मूव करते हैं तो उसी डायरेक्शन में कर्सर जो होता है वो भी हरकत करता है। ये आप देख सकते हैं, ये जॉयस्टिक का शेप है। इधर आपको अभी ये पता चल जाएगा, हमने बताया कि जॉयस्टिक एक बेस पे मुश्तमिल होता है, तो ये एरिया वो बेस है, ये सारा एरिया वो बेस है। और फिर कहा कि लीवर जो होता है वो बेस पे मौजूद होता है, तो ये वो लीवर है जो बेस पे मौजूद होता है। फिर ये बताया कि लीवर को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन में फिर हमारे पास कर्सर भी हरकत करता हुआ दिखाई देता है। ट्रैक बॉल भी बिल्कुल एक माउस की तरह होता है, लेकिन ये एक बॉल पे मुश्तमिल होता है। एक बॉल पे मुश्तमिल होता है, और वो बॉल बिल्कुल इस ट्रैक बॉल के सेंटर में होता है, और वो ट्रैक बॉल भी किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, उसको हरकत दी जा सकती है।
ट्रिक बॉल एक बॉल पे मुश्तमिल होता है, एक इनपुट डिवाइस है और इस बॉल को भी किसी भी डायरेक्शन में हरकत दी जा सकती है। और ट्रिक बॉल के ऊपर दो बटन मौजूद होते हैं, ये देख लें, ये ट्रिक बॉल है। ट्रिक बॉल में ये वाला जो एरिया मैं कलर कर रहा हूँ ये वो बॉल है। और बॉल के बारे में हमने क्या बता दिया कि इस बॉल को हम किसी भी डायरेक्शन में हरकत दे सकते हैं। फिर बताया कि ट्रिक बॉल दो बटन्स पे मुश्तमिल होता है, तो ये वो दो बटन्स है। फिर ये बताया कि ट्रिक बॉल इज़ जस्ट लाइक अ माउस, बिल्कुल आप ये देख भी सकते हैं कि बिल्कुल एक माउस की तरह इसकी शक्ल है। स्कैनर, स्कैनर भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है और स्कैनर के ज़रिए डॉक्यूमेंट को भी स्कैन की जा सकती है और पिक्चर को भी। जब भी हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर के ज़रिए स्कैन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट MH की शक्ल में जाके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे पैराग्राफ में है कि जब आपने हैंडमेड ड्राइंग अपने हाथ से कोई पेज पे ड्राइंग बना ली और आप चाहते हैं कि उसी पेज को कंप्यूटर के अंदर MH की शक्ल में स्टोर करें तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। स्कैनर के अंदर ये हैंडमेड ड्राइंग जब आप रख लेते हो और ये स्कैन हो के कंप्यूटर के अंदर एक MH की शक्ल में सेव हो जाती है। ये स्कैनर का MH है और आपको एक तस्वीर भी इसके अंदर दिखाई देता है। अगर आप चाह रहे हो कि कंप्यूटर के अंदर ये तस्वीर सेव हो जाए चूँकि हार्ड पाम में, और आप चाहते हो कि ये तस्वीर स्कैनर कंप्यूटर के अंदर MH की शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में, फाइल की शक्ल में स्टोर हो जाए तो आपकी स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। अब वेबकैम है। वेबकैम बिल्कुल एक डिजिटल कैमरा की तरह होता है। जिस तरह डिजिटल कैमरा इज़ यूज्ड टू टेक पिक्चर्स, डिजिटल कैमरा के ज़रिए तस्वीरें निकाली जाती हैं, बिल्कुल वेबकैम से भी तस्वीरें निकाली जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ वेबकैम वीडियो कॉल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। The webcam is just like a digital camera. It is used for taking pictures. Start में बता दिया कि webcam हमारे पास digital camera की तरह बिल्कुल होता है और ये फ़ोटो निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर उसको कंप्यूटर के अंदर सेव भी की जा सकती है उन पिक्चर्स को। और फिर ये बताने की कोशिश मैंने कि ये वीडियो कॉल्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। वीडियो कॉल्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे बहुत दूर रहते हो, आप उनसे बात भी करना चाहते हो और उसकी पिक्चर भी देखना चाहते हो तो ये वीडियो कॉल्स कहलाती है कि मतलब साउंड के साथ साथ उसकी पिक्चर भी हो। तो वीडियो कॉल के मकसद के लिए वेबकैम का यूज़ किया जा सकता है। ये वेबकैम का MH है। फिर माइक्रोफोन की बात आती है। तो माइक्रोफोन भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका काम है कि आप अपने साउंड को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर साउंड इन द कंप्यूटर देन यू नीड अ माइक्रोफोन। बिल्कुल एक माइक की तरह होता है। अ माइक्रोफोन हेल्प अस टू इनपुट साउंड इन द कंप्यूटर। अगर आप चाह रहे हो कि अपनी आवाज़ में कुरान की तिलावत स्टोर करें कंप्यूटर के अंदर तो आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोफोन के ज़रिए आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर बिल्कुल एक माइक की तरह होता है। इट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर। स्टार्ट में बता दिया अगर आप अपनी आवाज़ में कोई गाना शाना कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। ये माइक्रोफोन का शेप है। थैंक यू बेटा, मुझे यकीन है आपको आज का लेसन सब समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।